यहाँ पर देख रहे हो प्लांट लगा है, आपको देखने को मिल रहा है शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन जो कि इसका टेंडर ली है, हैगा। तो इस तरीके से आप जेसीबी वगैरह देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर लगे हैं आपको पूरा। सो हे गाइज, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको फिर से शेयर कराने वाला हूँ सरयू रिवर फ्रंट का। अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। सो गाइज, सरयू नदी में जो है क्रूज चलाने की प्लानिंग की जा रही है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। तो सरयू रिवर फ्रंट गुप्तार घाट में चल रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि क्रूज कहां पर बनेगा और थोड़ा सा अपडेट दूंगा सरयू रिवर फ्रंट का। तो ये व्यू आप देख रहे हो, ये सरयू नदी का एक किनारा है। मतलब गर्मियों के दिन में सरयू नदी थोड़ा सा सूख जाती हैं और ये उसका छोटा सा भाग है, इस साइड से बह रहा है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ के जो किसान हैं इस पानी का बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं, मतलब कि ये लोग तरबूज और खरबूज की खेती करते हैं। सो गाइस, इस समय मैं लक्ष्मण घाट से निकल चुका हूँ। ये घाट है झुनकी घाट और झुनकी घाट से ये नदी का व्यू आप देख रहे हो, सूख गई है जो कि। और जब ठंडियों का दिन आता है तो पानी तो ऊपर तक चढ़ जाता है, हवा आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से चल रहा है। और आप यहाँ साइड साइड में देखेंगे कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर तरबूज और खरबूज की खेती कैसी की जाती है। तो जब नदी सूख जाती है तो ये लोग जो है आसपास के जो लोग हैं इस सूखी हुई नदी का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। तो आप वहाँ दूर देख रहे होंगे यहाँ पर खेती की जा रही है तरबूज और खरबूज की। और यहाँ पर भी आप साइड में देखने को आपको मिलेगा, इस साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए खेत में किसान वगैरह लगे हैं जो कि अपनी खेती कर रहे हैं। और ये जो है मैं पहुँच गया हूँ गोलाघाट। गोलाघाट पे आप देख रहे हो इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है कि यहाँ पर किसान लोग अपने भैंसों को चरा रहे हैं नदी के किनारे। इसका भी मज़ा कुछ अलग होता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नदी का छोटा सा भाग है, कितना अच्छा लग रहा है, यही मतलब नीला नीला पानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जिस ट्रैक में मैं चल रहा हूँ गाइस, यही सरयू रिवर फ्रंट योजना है। मतलब नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक लगभग 10 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस पड़ता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो बनता है उसके बीच में इसी प्रकार का सीढ़ियों का निर्माण होगा। सोचिए सभी घाट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। आउटसाइड है और इस साइड आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो सरयू रिवर फ्रंट पे जो मिट्टी वगैरह जम गई है उनको साफ़ करने का काम कर्मचारी नगर निगम के कर रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। साइड में आपको थोड़ा खेती देखने को मिलेगी इस तरीके से और यहाँ पे से गेहूँ कट गए। और लेफ्ट साइड पर आप प्लाटिंग देखने को मिलेगा आपको इस तरीके का, ये बड़े बड़े प्लाटिंग इस तरीके से किए गए हैं। ये अयोध्या के ही कोई संत महंत हैं, उन्हीं का ये प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल माझा एरिया है, यहाँ पर जो है कभी आप अकेले ना आइए, मैं तो यही सजेशन दूंगा, कभी भी आइए तो एक दो लोग आइए क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंसक जानवर भी रहते हैं, उनसे थोड़ा सा खतरा होता है। तो मेरी बाइक जो इस समय 40-50 की स्पीड में चल रही है और इस तरीके का व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। रास्ते में यहाँ पर जेसीबी एक ख़राब पड़ी हुई है। आगे चल करके एक आश्रम पड़ता है गाइस और यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह मतलब सत्संग वगैरह चलता है, आश्रम है। और यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न होना होगा। और गाइस, जब मैं पिछली ब्लॉग को शूट किया था तो ये रोड जो है बनी नहीं थी, लेकिन अब आप देख रहे हो ये काली रोड बनकर तैयार हो गई है। ओह माय गॉड, तो आगे मैं चलता हूँ, देखता हूँ कितनी दूर तक ये रोड बना हुआ है। तो बने रहना इस ब्लॉग में। सो गाइस, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से ही कि ब्लॉग को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत बड़ा हथियार है। तो इस तरीके का व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। ये रोड जो है मैं बता दूँ ये टेम्प्रोरी बना दिया जा रहा है, लेकिन बहुत दिन बाद जो है इस पर बहुत VIP रोड बन जाएगी आने जाने के लिए। तो इस तरीके जो पीछे आप व्यू देख रहे हो सब प्लाटिंग, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो ये प्लाटिंग है अयोध्या के आश्रम के जो संत महंत होते हैं उन्हीं का ये प्लाटिंग है। और यहाँ पर कुछ लिखा है उनके बारे में, श्री 1008 श्री कौन से बाबा हैं, ऐसे कुछ लिखा है जिनकी प्लाटिंग है ये। लगभग ये 60-70 बीघे के रेंज में प्लाटिंग था। और यहाँ पर आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम इस तरीके से चल रहा है, मतलब गिट्टियाँ बिछाई जा रही हैं, तारकोल वगैरह इस तरीके से कर्मचारी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो करंट।
और बीच बीच में कहीं जो है काली रोड छूट गई है, कहीं कहीं बन रहा है, इसी तरीके से बनता ही है। तो इस तरीके का व्यू आप देख रहे हो, किस तरीके से काली गिट्टियां यहाँ पर बिछाई जा रही हैं, उसके पीछे तारकोल की ढाला जा रहा है, उसको आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे। और सामने जैसे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो है बड़ी सी मशीन खड़ी हुई है। तो आगे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है डांबर रोड मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है काली गिट्टी नहीं बिछाई गई है, तो थोड़ा थोड़ा गैपिंग करके इसे किया जा रहा है काम। मतलब आप देख रहे हो, लगभग मैं 4-5 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ लक्ष्मण घाट से, और आगे मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इस तरह एयर मार करके जो डस्ट है उनको साफ़ किया जा रहा है, मतलब यहाँ तक का काली गिट्टी बिछाई जाएगी आज, इसलिए साफ़ हो रहा है। और ये माझा इलाका आपको देखने को मिलता है, ये PWD का बुलडोजर आप देख पा रहे हो इस तरीके से यहाँ पर खड़ा है, जो कि रोड को ढालने का काम कर रहा है। शूट कर रहा हूँ भगवान रामचंद्र की नगरी एक दिन इतनी सुंदर देखने को मिलेगी कि जैसे त्रेता युग में अयोध्या थी उसी प्रकार से मुझे देखने को मिलेगी। और गाइस आगे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी काली रोड को बिछाया गया है इस तरीके से, तो मैंने कहा ना गैप गैप करके ये लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से इसका रेगुलेशन ही है, नियम ही है इसे बनाने का रोड। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे हो यहाँ से। आप यहाँ गाइस देख सकते हो इस तरह बड़े बड़े पत्थर जो है इस रोड के किनारे इस तरीके से लगाए गए हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रकार से हम इसको बांध कह सकते हैं, ताकि सरयू नदी का पानी इस साइड ना पाए, जिससे जनजीवन को किस प्रकार की समस्या ना हो पाए जो यहाँ के लोकल हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था पूरी सरकार कर रही है, ताकि बाढ़ वगैरह से कभी कोई जनजातियाँ मतलब झेल ना पाएँ, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये काली रोड इस समय बन गई है, और मैं अपनी बाइक की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लगभग 60-65 की स्पीड में मैं अपनी बाइक को चला रहा हूँ, और आप पूरे सामने व्यू देख पा रहे हो, आपको किस तरीके का व्यू देखने को मिल रहा है। आगे चल करके मुझे जो है जमथरा देखने को मिलेगा इनका, और इस साइड आप देख पा रहे हो छोटी सी बस्ती आपको देखने को मिल रही होगी, या इस साइड पर बहुत ही छोटी निम्न बस्ती आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर खेती वगैरह भी गेहूं की हुई है, फसल काटे जाएंगे जल्दी। और इस तरीके से मैं पहुँच चुका हूँ जमथरा गाइस, यहाँ पर भी शमशान घाट है, यहाँ पर भी शव को जलाया जाता है। मैं यहाँ कभी कदार आया हूँ एक दो बार इस साइड पे, जहाँ फ़ोन मेरा रोटेट है, और इस साइड में अपने फ़ोन को रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो सरयू नदी यहाँ पर भी देखने को मिल जा रही है। तो इस तरीके का व्यू आप देख रहे हो, और ये ट्रैक देख रहे हो, इतनी ऐसे ही पक्की ट्रैक बनाई जाएगी जो है नए घाट तक, और ऐसे सीढ़ियों का निर्माण भी होगा जो कि सभी घाटों को एक साथ मिला देगा, और पर्यटक को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर वो गुप्तार घाट आना चाहते तो आ सकते हैं। तो इस तरीके का ये रोड आप देख पा रहे हो, पिछली बार जब मैंने ब्लॉग को शूट किया था तो यहाँ पर जो है डांबर रोड था, मतलब यहाँ पर मशीन वगैरह लगे थे, लगभग एक महीना पहले मैंने वीडियो को अपलोड करा था। और आज मैं अपने ब्लॉग को अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रोड बनकर तैयार हो गया है, जो आने जाने लोग हैं वो उनको आने जाने में सुविधा हो जाएगी। अच्छा, पहले जो यहाँ पर आते थे लोग, क्या कहते हैं, गुप्तार घाट, तो वो जो है घूम करके आना पड़ता था उनको, मतलब डोगरा रेजिमेंटल से इस तरीके से घूम के आते थे चौक ओक से। लेकिन जब ये पूरा रोड हो जाएगा तो अयोध्या से डायरेक्ट आ सकते हैं गुप्तार घाट घूमने के लिए, इतनी बड़ी सुविधा लोग के लिए की जा रही है। लगभग वो जो है 6-7 किलोमीटर बचा देगा यात्रियों का, वो पहले पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हो प्लांट लगा है, आपको देखने को मिल रहा है शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, जो कि इसका टेंडर ली है रोड को बनाने का सरयू रिवर फ्रंट का। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें आपको देखने को मिलती है इस तरीके से आप देख रहे हैं। और गाइस सामने वो आपको जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है, इसी में जो है क्रूज को बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो है जो भी 2-3 क्रूज बने यहाँ पर ही बनेंगे, उसके बाद वो सरयू नदी में चलाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप JCB वगैरह देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर लगे हैं, आपको पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। और सामने जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जहाँ पर क्रूज का निर्माण चल रहा है, ये सामने आप देख पा रहे हो, आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, और ये गाइज रास्ता ब्लॉग है,
पहले यहाँ पर बाइक जाती थी, लेकिन अब इस समय यहाँ पर बाउंडेशन कर दिया गया है। अब मैं पैदल चलता हूँ, पैदल ही अपने ब्लॉग को शूट करूँगा और आपको कुछ व्यू दिखाऊंगा। सो बने रहना इस ब्लॉग में। तो मैं इस समय पहुंच चुका हूं गुप्तार घाट। ये गुप्तार घाट के रेंज में आता है और यहां से पूरा व्यू आप सरयू नदी का देख पा रहे होंगे, इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहां पर जो है बहुत ही अच्छे से निर्माण हुआ है सरयू रिवर फ्रंट का, ऐसे ही नए घाट तक होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस साइड ये पार्किंग है आपको देखने को मिल रहा है और ये जो है क्रूज यहाँ पर बनाया जाएगा। बहुत बड़ा गोदाम यहाँ पर बन रहा है और क्रूज भी बहुत बड़ा होता है, तो इसमें ही क्रूज का निर्माण होगा और इसमें नदी में चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आपने वाराणसी वगैरह में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े क्रूज चलते हैं, तो इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिल रहा है चारों तरफ। और ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, पहले बाइक वगैरह आते थे लेकिन अब बंद है। और सामने का व्यू आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है सरयू नदी का। सो गाइज, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं, और यदि ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, शंभो।